हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर और समीर रिव्यू रूम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने सैमसंग नोट 10 प्लस का अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू वीडियो पोस्ट किया था इस चैनल पर। उसको आपका काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि इसका इनडेप्थ रिव्यू होना चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, इसके प्राइजेस क्या है, तो उन सभी चीज़ों का आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ये एक इनडेप्थ रिव्यू वीडियो है जिसमें मैंने कैमरा टेस्ट भी किया है। सो अगर आप इस डिवाइस को परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, इट विल हेल्प यू मेक द परचेसिंग डिसीजन। सो दोस्तों, इसे मैंने बोरो किया अपने फ्रेंड से फ्रॉम ऑरेंज गैलरी सैमसंग स्टोर भिवंडी। और दोस्तों, इसकी जो प्राइसिंग है स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 69,999 रुपीज़। और इस पर फिलहाल काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। 6,000 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है आपको HDFC कार्ड्स पर। सैमसंग गैलेक्सी एक्टिव वॉच अगर आप परचेस करते हो तो फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है आपको। और दोस्तों, अगर आप ऑरेंज गैलरी से स्पेसिफिकली परचेस करते हो तो 2% एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो इसका जो एड्रेस है, इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, यू कैन चेक अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द बिल्ड क्वालिटी। सो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में आता है। आप देख सकते हो मेटल और ग्लास का काफ़ी प्रीमियम कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। बैक पे ये है आइकनिक ऑरा ग्लो डिज़ाइन और आप देख सकते हो ये कलर चेंज होता है एज यू चेंज द वीविंग एंगल्स। इसमें आपको सराउंडिंग मेटल फ्रेम मिलता है और ये काफ़ी स्लिम है, 7.9 mm ही है, सो इट फील्स वेरी प्रीमियम इन हैंड एज वेल। साइड में आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको ये वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है, विच इज़ ऑल्सो द बिक्सबी स्मार्ट की। टॉप सरफेस पे आपको सिम कार्ड ट्रे और माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं। सरप्राइजिंगली लेफ्ट साइड पर कोई भी आपको फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलेगा। एंड एट दी बॉटम आपको एस पिन मिलता है, उसके साइड में आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है। नेक्स्ट इज़ द टाइप सी USB पोर्ट एंड फाइनली आपको माइक्रोफोन मिलता है। इसमें आपको हेडफोन जैक जो 3.5 mm का है वो नहीं मिलता, बल्कि जो ईयरफोन्स मिलते हैं आपको इसके अंदर AKG वाले, उसमें भी आपको टाइप सी पोर्ट ही देखने को मिलेगा लाइक दिस। बैक साइड पे आप देखोगे तो आपको ये क्वाड कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और इस फोन में दोस्तों NFC भी है, सो मेटल सेक्शन में आपको NFC का सेंसर मिलता है। ओवरऑल जो इसका वेट है वो भी काफ़ी लाइट लगता है कंपेयरिंग द साइज ऑफ द फोन। एंड डेफिनेटली गाइज, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लगती है फॉर द प्राइस गिवन। नेक्स्ट बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इस मॉडल में आपको 6.8 इंचेस की इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलती है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 498 है, विच इज़ वेरी वाइब्रेंट। एंड लिटरली दोस्तों, इसके जो बेजल्स है काफ़ी स्मॉल है, आप देख सकते हो इस फुटेज में, इट ऑलमोस्ट लुक्स द बेजल लेस। उसके बाद आप डिस्प्ले सेक्शन में जाओगे फ़ोन के, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ब्लू लाइट फिल्टर। इसे ऑन करते हो आप तो इसका जो ओवरऑल टिंज है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, विच रिड्यूसेस द स्ट्रेन ऑन आइज। इसके बाद आपको ये नाइट मोड मिलता है, विच टर्न्स द कम्प्लीट इंटरफेस इनटू डार्क। उसके बाद आपको ये स्क्रीन मोड मिलता है जहाँ पर आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर दो ऑप्शंस है, विविड एंड नेचुरल्स। उसके बाद आप देख सकते हो आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करने का वो ऑप्शन मिलता है, यू कैन सेट इट अप टू 3040x1440p। देन इज द नेविगेशन बार। सो इस ऑप्शन से आप कंप्लीट डिस्प्ले को एज अ फुल व्यू डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हो बाय एनेबलिंग द जेस्चर कंट्रोल्स। और ये जेस्चर कंट्रोल कुछ इस तरीके से काम करते हैं। एंड दोस्तों, फ्रंट में आप देख सकते हो ये आपको कैमरा कटआउट मिलता है। दोस्तों, इसे भी आप हाइड कर सकते हो लाइक दिस। सो ऊपर आपको एक थिक बेजल टाइप ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से जो ये कैमरा कटआउट है वो हाइड हो जाता है। देन द लास्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन द डिस्प्ले सेक्शन इज द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सो आप देख सकते हो आपको इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं टू सेट द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। सो दोस्तों, डिस्प्ले भी इसका काफ़ी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट दोस्तों, सैमसंग के सभी फोन्स के डिस्प्ले काफ़ी इंप्रेसिव होते हैं, दैट इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग पॉइंट। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। सो इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हो। एंड आई मस्ट एक्नॉलेज दैट इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर जो इन डिस्प्ले है और अभी तक मैंने यूज़ किया है। ये मुझे काफ़ी सिमिलर लगा टू S10 प्लस जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है। दैट बीन सेड, इसमें आपको फेस अनलॉक का भी फीचर मिलता है। एंड गाइज, आई मस्ट एक्नॉलेज दैट इट इज़ ऑल्सो वेरी फास्ट। आप देख सकते हो जैसे आप इस पावर बटन को प्रेस करते हो एंड यू लुक इन टू द कैमरा, इट ओपन्स अप लाइटनिंग क्विक और ये काफ़ी एक्यूरेट है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एनिमेशन देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। एंड फाइनली दोस्तों, इसमें आपको और एक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, दैट इज़ फ्रॉम द एस पेन। सो टोटल आपको इस फोन में 4 अनलॉक के मेथड मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर इंटरफेस की।
सो दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉयड 9 वर्जन मिलता है और जो इसका इंटरफेस है दैट इज वन UI 1.5। इस फोन में आपको 12GB रैम मिलता है, आउट ऑफ दैट आप देख सकते हो इतना कंज्यूम होता है और इतना रैम आपको फ्री मिलता है टू यूज। 12GB रैम इज इनसेन गाइज, और उसमें से भी अगर आपको 6 से 7GB यूज करने के लिए फ्री मिलता है दैट इज अ एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रैम दैट यू गेट टू यूज। इसमें जो स्टोरेज मिलता है दैट इज 256GB और इतना स्टोरेज आपको यूज करने के लिए मिलता है। प्लस दोस्तों इसमें आप और स्टोरेज बढ़ा भी सकते हो, अप टू 1TB तक इसमें आपको स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। सो इन शॉर्ट गाइज ये आपको लैपटॉप टाइप परफॉर्मेंस दे रहा है विद इन अ स्मार्टफोन, सो इट इज़ अ रियल प्रोडक्टिविटी हाउस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो दोस्तों इस मॉडल में आपको 4300mAh की बैटरी मिलती है और आप यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसे 2 दिन पहले चार्ज किया था अप टू 100% और 2 दिन 7 घंटे अभी तक हो चुके हैं एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। इसके स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, बट स्टिल इसका जो बैकअप है काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो आप पूरे दिन का बैटरी बैकअप इजीली इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो विथ हैवी मल्टीटास्किंग एंड यूजेस। और दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, सो यू कैन गेट चार्ज क्विकली और इसे आप कंप्लीट 1 डे यूज़ ईजिली कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको पावर सेविंग के भी मोड्स मिलते हैं। फर्स्ट इज़ हाई परफॉर्मेंस मोड, अनदर 3 आर द पावर सेविंग। उसमें से एक है ऑप्टिमाइज्ड मोड फॉर द बैलेंस्ड यूज़, दूसरा है मीडियम पावर सेविंग एंड द फाइनल इज द मैक्सिमम पावर सेविंग। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो आपको अडेप्टिव पावर सेविंग मोड भी मिलता है जो आपके फ़ोन यूजर्स के अकॉर्डिंगली पावर सेविंग को मैनेज करता है। फाइनली दोस्तों अभी हम करने वाले इसका कैमरा टेस्ट। सो आप देख सकते हो ये है इसका कैमरा ऐप, ओपन होते ही ये फोटो मोड में आता है और यहाँ पर आप देख सकते हो यह है इसका डिफॉल्ट फोटो मोड, ये नॉर्मल फोटो मोड पे है। इसमें आप लेंस में स्विच कर सकते हो फ्रॉम नॉर्मल मोड टू टेलीफोटो मोड एंड फ्रॉम टेलीफोटो मोड टू सुपर वाइड एंगल लेंस। आप देख सकते हो इस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके कुछ सैंपल्स मैंने निकाले हैं दैट यू कैन सी ऑन स्क्रीन। आई मस्ट से दोस्तों इसकी जो कैमरा क्वालिटी है दैट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर सीन ऑन एनी फोन। इसमें आपको और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। मेनली दोस्तों इसमें आपको AR इमोजी मिलता है अगर आप फ्रंट कैम यूज़ करते हो तो। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द एप्पल 3D कैमरा। आप इस AR इमोजी को टेक्स्ट मैसेजेस में भी यूज़ कर सकते हो, सो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एज वेल एज अ फन। नेक्स्ट बात करें लाइव फोकस की, तो आप देख सकते हो इस तरीके की ऑप्शंस आपको इस लाइव फोकस में मिलते हैं एंड दिस आर फ्यू सैम्पल्स ऑफ इट। लाइव फोकस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं दैट इज़ नॉर्मल मोड एंड टेलीफोटो मोड। उसके बाद आपको ये प्रो ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप ISO, शटर स्पीड, फोकस, वाइट बैलेंस सभी चीज़ें डिटेल्ड में एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर नीड और अल्टीमेट रिजल्ट आप पा सकते हो इस कैमरा सेटअप में से। उसके बाद आप देख सकते हो आपको ये पैनोरामा मोड मिलता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इसका सैम्पल आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज नाइट मोड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मोड। इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट चेक द सैम्पल्स, दे आर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो सेक्शंस में जाओगे तो ये सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन के 3 मोड मिलते हैं जो आपको इस तरीके का वीडियो आउटपुट देगा। इसी वीडियो सेक्शन में आपको सुपर स्टेडी मोड भी मिलता है और आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर। साइड बाय साइड मैंने दोनों वीडियोस को कंपेयर किया है, नॉर्मल वीडियो मोड एंड सुपर स्टेडी मोड को। उसके बाद आपको ये लाइव फोकस मोड मिलता है जिसकी मदद से आप कंटिन्यूसली फोकस कर सकते हो वीडियो को इन द लाइव शूटिंग। सो इससे मैंने फ्रंट कैमरा के लिए ये यूज़ किया है टू शो यू द डेमो ऑफ इट। उसके बाद ये है सुपर स्लो मोशन मोड, इसमें आपको कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती बट दिस मोड इज़ नॉट अ गिमिक लाइक इन अदर बजट प्रीमियम फोन्स। उसके बाद आपको ये स्लो मोशन मोड मिलता है। आप देख सकते हो ये है फ्रंट कैमरा और इस तरीके की क्वालिटी आपको इस फ्रंट कैमरा में से मिलेगी। दिस आर फ्यू सेल्फीज दैट आई टुक। एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई है, इस फ्रंट कैमरा में दोस्तों आप देख सकते हो
आपको ऑलमोस्ट वो सभी मोड्स मिलते हैं जो आपको नॉर्मल रियर कैमरा में मिलते हैं। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक गाइस, काफी कम फोन में आपको ये देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये था इसका कैमरा टेस्ट एंड आई मस्ट कंक्लूड कि इसका जो कैमरा है वो काफी इंप्रेसिव है। एंड एट दी एंड आपको इसका एस पेन का मैं यूटिलाइजेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इस एस पेन को आप निकालते ही डायरेक्टली स्क्रीन पर नोट कर सकते हो इस तरीके से। सो आपको स्क्रीन एक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लॉक्ड स्क्रीन पे ही डायरेक्टली इस पेन को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इस एस पेन को तो अनलॉक करने के लिए यूज़ कर ही सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जैसे ही आप इस एस पेन को निकालते हो आप देख सकते हो इसका जो पर्पज़ है या फिर जो भी यूजेस है ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। सो कुछ इस तरीके से आप इस एस पेन को यूज़ कर सकते हो ऑन द स्मार्टफोन। इसमें आपको डेडिकेटेड जेस्चर्स मिलते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस जेस्चर को आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो यहाँ से। इसमें आपको और एक मोड मिलता है, दैट इज पेन प्रॉक्सिमिटी अलर्ट। तो इसमें एक फंक्शन है जो अलर्ट करेगा आपको कि आपने अपना एस पेन इस डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया है एंड इट इज लेफ्ट बिहाइंड। सो इट इज वेरी गुड अलर्ट ऑप्शन। एंड दोस्तों इसमें आप मल्टीपल एस पेन भी कनेक्ट कर सकते हो टू अ सिंगल डिवाइस। तो दोस्तों एस पेन की बात करें तो ये भी एक काफी यूजफुल टूल है फॉर द प्रोडक्टिविटी पर्पजेस। सो दैट वॉज इट फ्रॉम टूडेज वीडियो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, नीचे रेड बटन को प्रेस कीजिए टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अपलोड किए गए सारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।